लोग जिनका ईमान कमजोर है बात बात पर अल्लाह की कसम खाते हैं और कुरान की कसम खाते हैं। देखिए ये जो लोग हैं जो बार बार अल्लाह की और कुरान की कसम खाते हैं, जैसे मुस्लिम अरब कंट्री में देखिए वो हर चीज़ में वल्लाह है वल्लाह कहते हैं। जैसे हमारी कंट्रीज में कुछ ऐसे लोग हैं अल्लाह की कसम कुरान की कसम कुरान की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम कुरान की कसम, उनको ये पता नहीं है कि कितना बड़ा ये आप समझो कि आप अपनी झूठ पर अल्लाह के नाम पे डालते हैं। आप झूठ बोलते हैं अल्लाह को इसके जिम्मेदार नाउज बिल्ला ठहराते हैं, कुरान की कसम खाते हैं अल्लाह के कलाम को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये करना तो जाहिर बात है कि ये तो बिल्कुल भी एक जायज़ चीज़ नहीं है करना, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में कोई छोटा गुनाह नहीं है। बहुत इंतहा किस्म का एक बड़ा शिर्क के बाद समझे कि बड़ा एक गुनाह है, समझे कि कुफर के लैंग्वेज में कुफर के लेवल में ये गुनाह आता है कि हम कौन से लेवल के ऊपर ये गुनाह कर रहे थे, ऐसे लोगों की इसलाह की जाए। तो यही बात होती है कि सबसे पहले ये जो खुद लोग हैं इनको दीन की इसलाह की जाए, क्योंकि जब इंसान की खुद की इसलाह होगी तो उसको गलत और सही में तमीज़ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान की खुद की इसलाह नहीं है तो वो जो गलत होता है जो सही होता है तो उनको सबको आपस में मिक्स कर जाता है। तो समझिए कि कुरान की लैंग्वेज को कुछ नहीं समझता है या वो सुन्नत रसूल को कुछ समझता नहीं है तो हर बात में वो गलत भी कर रहा है। जैसे मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा जैसे कुछ गलत खाने लगे हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं फिल्म देखने लगे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ लिए, तो ऐसे लोगों को पता नहीं है गलत काम करने जा रहे हैं हराम करने जा रहे हैं और उसमें अल्लाह को बीच में नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इतना बड़ा कबीरा गुनाह है कि अल्लाह को बीच में लेके आ रहे हैं कि भाई आप अल्लाह ताला आप इसमें हराम काम है हमारी मदद कीजिए। जैसे आई रिमेम्बर समवन के जो जिसका रिज़्क हलाल नहीं था लेकिन रिज़्क हलाल पता था कि रिज़्क हलाल नहीं लेकिन गलत काम करने से पहले ऐसा था कि अल्लाह हमारी मदद फरमाएंगे। जैसे फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि दुआ करवाते हैं कि हमारी फिल्म चल जाए हमारे गाने चल जाए। अभी 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 मुझे किसी का मैसेज आया था कुछ टाइम पहले, तो उसने एक गाना लॉन्च किया और मुझे मैसेज करके कह रहे हैं भाई आप हमारे लिए दुआ करते हैं। अब लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि क्या कर रहे हैं, कि हराम चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं और हराम चीज़ की मार्केटिंग के लिए तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं अल्लाह को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और फिर उसमें हराम काम में अल्लाह के नाम की दुआएं करवाते हैं। तो लोगों को इतनी भी समझ नहीं है। तो बात यह कि सबसे बड़ी इन लोगों की एक अच्छे तरीके से इसलाह की जाए कि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कुरान किताब में और सुन्नत रसूल क्या है। जब इनको बार बार एक चीज़ की सुनाई जाए तो उनकी ऑटोमेटिकली अपने अंदर इसलाह होती है। और दावत देने की सबसे बड़ी तकलीफ होती है कभी भी किसी के पास खास लफ्ज़ ना यूज़ किए जाएँ, कभी भी टॉन्टिंग वाले अल्फाज ना यूज़ किए जाएँ। जब भी किसी इसलाह करें तो अच्छे तरीके से विजडम से हिकमत से करें। जैसे सूरह नहल की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला फरमाते हैं उदूला सबील रब्बे का बिल हिकमत वल मौईज़त अल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अगर किसी को दीन की तरफ बुलाना है तो उसको बहुत अच्छे गुड मैनर के साथ अच्छे अखलाक के साथ अच्छी कम्युनिकेशन के साथ और अच्छी हिकमत के साथ किसी को दीन की दावत दें, ये तरीका होता है। क्योंकि अगर हम हार्श वर्ड यूज़ कर रहे हैं टॉन्टिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं अग्रेसिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। तो यू हैव टू बी नाइस, उसको पहले कुरान की तालीमात बताई जाए या उनको सुनते रसूल बताई जाए, फिर आज तक कहते हैं ग्रेजुअली इंसान में चेंज पाना शुरू हो जाता है।